Assalamualaikum friends, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी तकरीबन बज चुके हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो अभी मैं सिर्फ रास्ता करके ऊपर आया ही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया था रास्ता करने में, तो अभी ऊपर आया हूँ। तो मैंने कहा आज क्यों ना एक ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। तो आप मेरे रूम की जो है हालत आप कैमरे में नजर आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये डब्बा नजर आ रहा होगा। तो चूजों का जो पुराना डब्बा था वो बिल्कुल जो है आपको पिछली वीडियो में दिखाया खत्म हो गया था। तो अभी मैं नया डब्बा है वो लेके आया हूँ। ये डब्बा थोड़ा सा ऊंचा भी लेके आया हूँ, टांग सा है थोड़ा सा, लेकिन ऊंचा है ज्यादा, ताकि चूहे ये चूहे कह रहा हूँ चूजे जो है तो वो बाहर ना सके, इसलिए लेके आया था। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ऊंचा है और अंदर चूजे हैं इसके। कल मैं बाहर से जब आया हूँ तो एक चूजा फिर भी बाहर निकला हुआ था, कुछ समझ नहीं आई वो बाहर निकला कैसे। तो इतनी ऊंची जगह इतना ऊंचा जंप लगा ही नहीं सकता, तो अभी कैसे निकला था बाहर को, तो अभी तक समझ नहीं। दोबारा तो नहीं निकला, तो एक दफा निकला तो अभी कैसे निकला था। तो अभी फिलहाल जो मेरे रूम की जो हालत है ना, यहाँ से दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है। तो आप वो छोटी छोटी सी चीजें है ना, वो वेस्ट वगैरह वो नजर नहीं आएगा, यानी कि एक मुर्गी खाना जैसा होता ना, उस तरह का हाल इस वक्त मेरे कमरे का है। तो सबसे पहले इस कमरे की मैं सफाई करने लगा हूँ। आज मैं ना बिल्कुल फ्री हूँ, तो उसकी वो भी आपको बताऊंगा बाद में कि मैं क्यों फ्री हूँ। फिलहाल अभी जो रूम है वो साफ करते हैं, तो अच्छी तरह से इसे चमकाते हैं। वैसे आप देख सकते हैं इन्होंने इस डब्बे का भी बुरा हाल कर दिया है, तो इसे भी खाए जा रहे हैं। ये कॉर्नर भी आप देख सकते हैं, तो ये डब्बा ये भी खराब करें, तो इससे पहले कि ये डब्बा भी खराब करें मैं ऊपर वाला जो खुटा है वो साफ कर दूंगा, वो वहाँ पे नहीं पहुँचा दूंगा। अभी आपको दिखाता हूँ कमरे का हाल। तो इस तरह का हाल है कमरे का, तो ये सफाई अभी करते हैं इसकी कमरे की। तो ये जंप लगाता है क्योंकि पता नहीं कौन सा चूजा है, बार बार कोशिश करता है बाहर आने का, लेकिन बाहर नहीं आया जा रहा। सबसे पहले ये गन्ने तो उठाऊँ ना, तो उस इतने दिनों से यहीं पड़े हैं, तो अभी तो फिलहाल किसी काम के नहीं रहे होंगे, तो इन्हें बाहर फेंक देता हूँ, यहाँ पे किसी के सर पे ना लग जाए। तो नीचे जाके फेंक दो, फिलहाल ये यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह। अभी झाड़ू जो है वो तो लग चुका है, पोछा लगना रहता है, क्योंकि जो वेस्ट है वो इस तरह चिपका हुआ है जैसे गूंद या एलपी चिपकी हो ना, उस तरह चिपका हुआ। तो पता नहीं जो पोछा है जो टाकी जिसे हम कहते हैं अपनी जबान में, तो उससे भी पता नहीं साफ होगा कि नहीं होगा, तो कोशिश करके देखते हैं। फिलहाल बाकी तो तकरीबन सारा रूम साफ कर दिया है झाड़ू से। आप जो पोछा लगाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो अभी क्यों कमरे की सफाई होगी, तो आपका कमरा जो है मेरा साफ साफ लग रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है कमरे में, अभी भी बिल्कुल जो है वेस्ट जो है तो बिल्कुल साफ नहीं हुआ। बीच में कुछ कुछ है वो इस तरह जमा हुआ है जैसे किसी ने धूल फेंकी हो या लुक वगैरह, तो उतना जमा हुआ या ऐसा ऐसा साफ होगा। अभी भी लाल धूल बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन अभी जो खुशबू है वो अभी रूम के अंदर ही है, तो ये भी ऐसा ऐसा ही जाएगा। अभी फिलहाल जब तक ये कमरे में है खुशबू तो होगी, जब इन्हें ऊपर छुपे में छोड़ गया हूँ जो है वो खत्म होगी। तो अभी फिलहाल जो कमरा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। तो अभी जुम्मा के टाइम हो रहा है, चलते हैं तैयारी वगैरह करते हैं जुम्मे की, तो जुम्मा पर सही गन्ने जो हैं तो इन्हें मैं अभी बाहर फेंक देता हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था इनका जो घोंसला है वो बाहर गिर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था ये टूट जाएगा, तो वो टूट गया और गाड़ी के ऊपर गिर गया था सारा।
तो गाड़ी हमारी गंदी हुई है, तो जितना था वो तो मैं खैर बाहर फेंक दिया, तो ये थोड़ा बहुत है यहाँ पे पड़ा। हाँ जी गाइस, तो जुमा पढ़ के आ गया हूँ, तो अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं, तो दोपहर का खाना है अभी पक रहा है, तो बाद में खाएंगे जाके। तो मैंने आपको बताना था कि मैंने ब्लॉग में शुरू में कहा कि मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, तो उसकी वजह यह है कि आज मैं जो शॉप है वो अपनी नहीं लगा रहा। तो अभी जो मैंने फैसला किया है वो ये फैसला किया है कि जो शॉप मैंने खोली थी वो अभी फिलहाल वो मैं अभी बंद कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी वजूहत हैं इस चीज़ की, लेकिन कुछ थोड़ी सी वजूहत मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ऑयल है उसमें इस्तेमाल हो रहा है, किसान का मैं इस्तेमाल कर रहा था तो वो भी महंगा हो रहा है, और जो गोश्त इस्तेमाल कर रहा था तो बोनलेस गोश्त मैं इस्तेमाल कर रहा था, जो कि 400 रुपये से मैंने शुरू किया था और ये पहुँचा है 600 रुपये तक। तो आगे पता नहीं कहाँ जाना था, अगर नीचे आना था कि ऊपर जाना था, तो इसलिए अभी मैंने जो अपना प्रॉफिट लॉस दे के तो मैंने जो रेट थे वो बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो कम हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये वक्त है कि पहले इस कारोबार को फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि अगर जब कभी गोश्त का सस्ता हो तो फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अच्छे सेटअप के साथ, अच्छे तरीके के साथ और अच्छे लेवल पे कोशिश करूँगा इसे स्टार्ट करने की। अभी जितना भी मैंने सीखा है तो काफ़ी कुछ सीखा है, तो काफ़ी अच्छा मेरा जो था ये तजुर्बा रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आवाम का, लेकिन जो रेट्स बढ़े थे तो उसकी वजह से, क्योंकि अभी मेरा कारोबार स्टार्ट नहीं हुआ था, तो एक तो लोग वैसे ही थोड़ा सा झिझक रहे थे चीज़ लेने से, क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं था, और दूसरा रेट्स मेरे इतने ज़्यादा हाई हो गए थे कि बाजार में जो हाई लेवल की दुकान है उसके रेट से मैं बराबरी कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हुआ कि सेल्स कम हुई हैं। इस वजह से मैंने अपना अभी फ़िलहाल जो है दुकान वो बंद कर दी है, इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगा तो अच्छे सेटअप के साथ करूँगा। इसलिए तो ये बताना था मैंने कि आज मैं इसलिए फ्री हूँ, तो इसलिए आज व्लॉग जो है तो अब मैं कोशिश किया करूँगा एक दिन या रोज़ाना कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स लेके आया करूँ, ताकि मेरे जो यूट्यूब का जो एनालिटिक है वो नीचे जा रहा है, तो वो भी नीचे ना जाए, तो वो भी बरकरार है। वैसे आजकल जो मौसम है तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि गर्मियाँ जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो दिन लंबे हो रहे हैं, और जो ये टाइम है ना 1 से 3-4 बजे का ये होगा सुस्ती का टाइम, इस वक्त सोने का दिल कर रहा होगा। तो अभी हल्के हल्के से गर्मी हुई है, ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, अभी सर्दियाँ जा रही है और गर्मी आ रही है, तो वो वाला मौसम है दरमियाना सा, तो थोड़ी सी सुस्ती होती है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे व्लॉग करना, तो वैसे ही अभी वैसे मैं जो अपना व्लॉग है वो एडिट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एडिट हो चुका है, तो बाहर इस तरह की है धूप वगैरह निकली हुई है, तो अभी तो बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि मौसम ये बाहर जाने वाला है नहीं, तो शाम को छत पे चलेंगे या बाहर चलेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो कहते अभी मैं छत में आ गया, तो मैं ये टायर्स देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ये टायर्स के अंदर चूजे रख लूँ, तो बाहर तो छलांग लगा के आ नहीं सकते अगर मैं इस तरह कर दूं, तो ये मैंने सोचा था, लेकिन ये टायर के अंदर जो होते हैं ना जगह खुला, तो चूजों ने उसके अंदर गंद डाल देना तो वो साफ नहीं होगा, तो इसलिए टायर मैं यूज नहीं कर रहा, तो ये अभी साफ नहीं किया, तो इसे भी साफ करेंगे। तो अभी तकरीबन 5 बज चुके हैं और धूप जो है काफी ज्यादा तेज है, अभी फिलहाल पतंग वगैरह हो गए हैं, अभी पतंग वगैरह होना स्टार्ट हो गए, पता नहीं यहाँ पे कैमरे पे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो काफी ज्यादा पतंग जो है, काफी ज्यादा तो नहीं, कुछ 4-5 पतंग जो उड़ रहे हैं, बचपन में उड़ाया करते थे, अभी तो टाइम ही नहीं रहा, वैसे भी आजकल पाबंदी है पतंग उड़ाने में, तो इसलिए पतंग नहीं उड़ाते, लेकिन अभी उड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, उड़ा रहे हैं अभी लोग, यहाँ से नजर आ रहे हैं मुझे, तो एक ये है रेड वाला काइट है, एक यहाँ पे है ब्लैक काइट, और ये भी रेड सा काइट है, तो ये 3 उड़ रहे हैं, तो अभी इनके जो आपस में जो पेचा है वो अभी लगा नहीं है, पता नहीं कहाँ से उड़ रहे हैं, तो देखते हैं कोई पेचा लगाता है, वो मेरा ख्याल रेड वाला कट गया, हाँ वो कट गया लग रहा है, कटा गया, तो ब्लैक ने काट दिया वो रेड वाला कट गया, अब यहाँ पे पेचा लगेगा ये दोनों का, तो रेड वाला बचा रहा है अपना काइट, तो ब्लैक वाला कह रहा नहीं मैंने लगाना ही लगाना पेचा, तो अभी देखते हैं क्या बनता है, पेचा लगता है कि नहीं लगता इनका, नहीं लगा पेचा। आज मैं काफी दिनों बाद छत पे आया हूँ, तो ये देखा है तो काफी ज्यादा धनिया भी आ गया, तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया धनिया भी, और ये जो लहसुन था तो ये भी मेरा ख्याल अब बन रहा है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा बड़े हो गए इसके पौधे, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, कौन सा पौधा था तो ये चला ही नहीं है, बाकी धनिया वगैरह जो है वो आ गया, और यहाँ पीछे से भी एक काट हुआ, ये बच्चों ने उड़ाया होगा, अब दोबारा ये ब्लैक और जो व्हाइट का रेड का है पेचा लग गया, और ब्लैक जो है कट चुका है, तो रेड वाले ने काट दिया ब्लैक को, तो ब्लैक भी कट चुका है, एक पतंग वहाँ पे उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है, मेरे पास कोई पतंग ही नहीं है तो मैं उड़ाऊंगा कैसे, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, तो अभी मैं आया था ताजमहल, तो यहाँ पे शादी पे छोड़ने के लिए फैमिली को, तो अभी घर जा रहा हूँ, तो पीछे से देख के अभी गाड़ी जो है बैक करते हैं, एक दरवाजा खुला ही छोड़ दिया यहाँ पे यार, बंद कैसे करना है,
तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो गए अभी मैं छोड़ के घर पहुंच चुका हूँ। आज का डिनर है तो वो बड़ा मुश्किल से गुजरा है। जितना मैं ज्यादा मसरूफ हुआ था आज उतना ही ज्यादा मैं फारिग था, तो जिसकी वजह से आज जरा दिन गुजारना मुश्किल सा हो गया था। तो बाइक भी मेरी खराब पड़ी है, तो उसकी बैटरी जो है वो चेंज नहीं मिली। आयल मैंने चेंज करवा दिया था, उसकी चेन तो ढीली थी जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि उतर गई थी, तो चेन भी कसवा दी थी। अभी रह गई सिर्फ एक बैटरी। अभी इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह फैसलाबाद जाऊँ, अगर प्रोग्राम बन गया तो बैटरी का पता करके आऊँगा। अगर फैसलाबाद से मिल गई तो बाइक डन हो जाएगी, नहीं तो लाहौर से लेनी पड़ेगी और लाहौर जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा काम। तो ये देखो जी, अभी मैं अब यहाँ पे वीडियोस वगैरह देख रहा था तो ये चूजा जो है बाहर निकला हुआ है, पता नहीं कैसे निकला, अभी छलांग लगाएगा बाहर की तरफ। ये अभी रेडी हो रहा है, ये सोच रहा है कि मैं छलांग इतनी ऊपर से लगाऊं कैसे, तो मेरे ख्याल वही डर रहा है। तो अभी देखते हैं, ये देखो देखो काम चेक करो इसके, अभी अंदर जाएगा, अंदर भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। यार ये तो निंजा है निंजा, चेक करो बैलेंस बैलेंस चेक करो, ये अब जाएगा कहीं पे गिरेगा मेरे ख्याल से। पहले तो यार तू मुझे ये बता, तू आता कहते हैं बाहर कैसे आता है, मुझे यही नहीं समझ आ रही यार। चल वापस वापस चल वापस 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 चल वापस वापस नहीं जाएगा, डर लग रहा है ना। मैं बता देता हूँ आप, ये देखो जी इतनी गहराई से यहाँ पे पता नहीं कैसे आते, समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल ही समझ से बाहर है, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। तो गए अभी तकरीबन 10:30 हो गए, तो जो व्लॉग है मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह सुबह आ जाएगा तकरीबन 1 बजे तक। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।